हेलो फ्रेंड्स स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मार्केट ज्ञान में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं रेलवे सेक्टर के दो स्टॉक के बारे में आई और आई बेसिकली आई में यहां पे एक बड़ा अनाउंसमेंट हो गया है फाइनली कंपनी ने डिविडेंड का अनाउंसमेंट किया है सारी चीज़ों पर हम नज़र डालने वाले हैं क्यू रिजल्ट कब आएगा डिविडेंड कितना मिलेगा किन लोगों को मिलेगा किन लोगों को नहीं मिलेगा कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ से कितना हो सकता है कितना नहीं हो सकता है और आई बहुत बड़ी गिरावट हो चुकी है करीबन आधे प्राइस पे अब ये ट्रेड कर रहा है मार्केट में क्या ये स्टॉक बिल्कुल खराब हो गया है एग्जिट कर देना चाहिए या फिर अभी भी कुछ इसको बाकी है सुमित बगाड़िया की तरफ से भी बड़ा बयान निकल के आया इस पर्टिकुलर स्टॉक पर इन सारी चीज़ों पर नजर डालेंगे वीडियो में बने रही वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे लाइक कर दीजिएगा चैनल भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं ओवरऑल मार्केट के बारे में लास्ट दो वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं जाके देख सकते हो एल आई सी की बारे में वीडियो अपलोड की हुई है अलॉटमेंट डेट बताई है यानी कि आज अलॉटमेंट है आप चेक कर सकते हो और येस बैंक के बारे में वीडियो मैंने ऑलरेडी बताई हुई है तो आप वो देख सकते हो आप यहां पर डायरेक्टली बात कर लेते हैं आई आर एफ सी के बारे में आज मार्केट में भयंकर गिरावट थी लेकिन फिर भी एक चीज जो सही लगती है इस स्टॉक में कि मेजर गिरावट नहीं होती यानी कि चार परसेंट पांच परसेंट छह परसेंट ऐसी गिरावट नहीं होती आपको एक परसेंट डेढ़ परसेंट तक की गिरावट देखने को मिलती है तो आज भी अगर आप देखोगे पॉइंट सेवन जीरो परसेंट की गिरावट थी इक्कीस रुपए पच्चीस पैसे पर यह शेयर आपको आते हुए नजर आ गया शेयर आपको बढ़ता हुआ तो ये नजर आया ही नहीं है यानी कि अगर आप इसके परफॉर्मेंस के बारे में भी बात करोगे तो आज जो हाई बना था इक्कीस रुपए चालीस पैसे का और इक्कीस रुपए दस पैसे का इसका लो था लेकिन अगर आप फिफ्टी टू वीक लो और हाई के बारे में भी बात करो तो बीस रुपए नब्बे पैसे ही इसका फिफ्टी टू वीक लो है कोई बहुत ज्यादा लो नहीं है लेकिन अगर फिफ्टी टू वीक हाई देखो तो छब्बीस रुपये पैंतालीस पैसे है तो डेफिनेटली स्कोप तो है और आप यहाँ पे आज वॉल्यूम देख पाओगे ठीक ठाक सा वॉल्यूम भी देखने को मिला है डायरेक्टली कुछ जो मेजर अपडेट्स हैं उस पर मैं आपको लेकर चलता हूं सबसे पहले जो शेयर होल्डिंग है जो कि इस क्वार्टर के रिजल्ट जब आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे आपको लेटेस्ट शेयर होल्डिंग पता लग जाएगी उससे पहले अगर मैं आपको दिखाऊं 86% परसेंट की ये जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है सबसे अच्छी बात भी यही है सबसे ख़राब बात भी यही है, है। यानी कि जिस पर्टिकुलर स्टॉक में कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग ज़्यादा होती है उसको अच्छा माना जाता है लेकिन जब लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो वही चीज़ ख़राब हो जाती है यानी कि निवेशकों को अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा डर है कि जब ये छियासी परसेंट से पिछहत्तर परसेंट पर होल्डिंग आएगी तो डेफिनेटली ओ एफ एस आएगी और जब ओ एफ एस आएगा तो शेयर प्राइस नीचे जाएगा तो डेफिनेटली इसी वजह से जो डी आई आईज हैं या फिर एफ आई आईज हैं वो इसमें निवेश नहीं कर रहे हैं अब हाल ही में यहाँ पे आई आर एफ सी की तरफ से नोटिस जारी किया गया था जो कि आपको एन एस सी बी एस सी दोनों को इन्होंने नोटिस दिया है तो डेफिनेटली यहाँ पे Q4 रिजल्ट के बारे में बताया गया है और कुछ मेजर अनाउंसमेंट जैसे कि यहाँ पे अगर आप देखोगे 9 मई को इनकी एक मीटिंग हुई थी जिसमें कुछ डिसीजंस निकल के आए हैं कि जो क्वार्टर फोर के रिजल्ट हैं वो आपको यहाँ पे देखने को मिलने वाले हैं 20 मई को यानी कि फ्राइडे को तो 20 मई को आपको इसके Q4 के नंबर्स जो हैं वो देखने को मिलने वाले हैं यानी कि अगर आप देखोगे तो एक हफ्ते का टाइम है तो आपको यहां पे पता चल जाएगा कि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर में कैसा परफॉर्म किया था सेकेंडली यहां पे जो कंपनी है वो यहां पे आपको जो बोरोइंग्स है उसको कम करने की भी प्लानिंग करते हुए नजर आ रही है यहां पे आप देख पाओगे ऑथराइजेशन ऑफ द मार्केट बॉरोइंग द कंपनी ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 2022-23 यानी कि बोरोइंग्स पर प्रॉपर तरीके से डिस्कशन होने वाला है और अगर आप यहां पे देखो जो मेन चीज निकल के आती है वो है डिविडेंड मीटिंग सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ शेयर होल्डर इंश्योरिंग द एनुअल जनरल मीटिंग सेल ऑल्सो रिकमेंड द फाइनल डिविडेंड फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2021-22 यानी कि जिस चीज का इंतजार था वो फाइनली यहाँ पे आपको देखने को मिलने वाला है इस क्वार्टर में मैं आपको काफी टाइम से बोल रहा हूं कि कोई और कॉर्पोरेट एक्शन के चांसेस नहीं है केवल और केवल डिविडेंड के चांसेस है फाइनल डिविडेंड के चांसेस हैं और वो कंपनी ने यहां पे क्लियर कर दिया है कि इस बार आपको क्वार्टर फोर में जो फाइनल डिविडेंड है कंपनी देने वाली है तो डेफिनेटली रिटर्न्स नहीं तो कहीं ना कहीं से तो थोड़ा बहुत पैसा बनते ही रहना चाहिए अब यहाँ पे अगर आपने इस गिरावट में एग्जिट कर दिया तो डेफिनेटली आप एलिजिबल नहीं होने वाले हो डिविडेंड के लिए क्योंकि रिकॉर्ड डेट एक्स डेट तो अभी पता चली जाएगी एक हफ्ते के बाद उसके बाद आपको अगर आपने इसमें पोजीशन नहीं बनाई तो आपको डिविडेंड नहीं मिलेगा लेकिन आप बने रहते हो तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा डिविडेंड कंपनी यहाँ पे दे सकती है तो ये कुछ मेजर अनाउंसमेंट थे जो कि निकल के आ रहा था आई की तरफ से अब मैं आपको लेके चलता हूँ आई पर आई एस में आज करीबन साढ़े पांच परसेंट के आसपास की बड़ी गिरावट है 621 पर शेयर आ गया है जो कि 800-900 पर ट्रेड करता था आज के टाइम पे 621 पर ट्रेड कर रहा है तो आप सोच सकते हो कि, कि कितना बड़ा करेक्शन इस पर्टिकुलर स्टॉक में आ गया है पिछले कुछ ही दिनों के अंदर डायरेक्टली बिना टाइम वेस्ट के रिपोर्ट पर लेकर चलता हूं आई के शेयर अपने 52 वीक हाई से 47 परसेंट टूट चुका है अब इसमें खरीदें, बेचें या फिर बने रहें यानी कि अपने 52 वीक हाई से लगभग लगभग शेयर आधे प्राइस पे ट्रेड कर रहा है यानी कि 1100-1200 के आसपास का शेयर 600 के आसपास आपको मिल रहा है तो इसमें आपको अब आप बाइंग करनी चाहिए या फिर एग्जिट कर देना चाहिए तो डेफिनेटली अगर आप देखोगे चॉइस ब्रोकिंग के सुमित बगाड़िया का कहना है आई के शेयरों का जो चार्ट पैटर्न है वो कमज़ोर नज़र आ रहा है और यहाँ अपने हाल के छः सौ प्रति शेयर के जो आपको पैनिक लोगों से भी फिसल कर छः सौ प्रति शेयर के स्तर तक जा सकता है 645 जब शेयर चल रहा था तब ये रिपोर्ट आई थी और छः सौ का इन्होंने बताया था कि टारगेट है तो वो पर तो शेयर आ गया है तो डेफिनेटली इन्होंने शॉर्ट टर्म का तो सिनेरियो बताया है कि जो शेयर है वो आपको और ज्यादा गिरावट दिखा सकता है और जो चार्ट पैटर्न भी वीक नजर आ रहा है आगे अगर हम देखें तो जो रवि सिंगल हैं जी सी एल सिक्योरिटीज के उन्होंने यहाँ पे बताया है कि जो फ्रेश बाइंग है आई में वो इस करेंट लेवल पर रिकमेंडेड नहीं है इन्होंने भी अभी आपको रुकने की सलाह दी है बाइंग करने की सलाह नहीं दी है और जिस अकॉर्डिंग यहाँ पे जो गिरावट आ रही है वो आपको और ज्यादा देखने को मिल सकती है आने वाले शॉर्ट टर्म में और अगर आप देखो इन्होंने बताया है जिस किसी के पास भी आई का शेयर अगर पोर्टफोलियो में है तो वो होल्ड कर सकते हैं बेचे नहीं ऐसी इनकी रिकमेंडेशन है स्टॉप लॉस 588 यानी कि 588 का स्टॉप लॉस लगा सकते हो और यहाँ पे बोला है दोज वांट टू एंटर एंड टेक द फ्रेश पोजिशन दे कैन स्टार्ट एक्यूमलेटिंग द स्टॉक फ्रॉम सिक्स फिफ्टी रुपीज लेवल यानी कि इन्होंने बोला है कि 650 सौ पचास रुपए के लेवल से एक्यूमलेशन कर सकते हो जिसको भी यहाँ पे फ्रेश एंट्री करनी है लेकिन आपको एग्जिट नहीं करना है ऐसी इनकी रिकमेंडेशन निकल के आई है तो डेफिनेटली दोनों ही स्टॉक के बारे में मैंने आपको इसमें बता दिया है सारी कुछ सिनेरियो क्लियर कर दिया है रिपोर्ट्स दिखा दिए एक्सपर्ट की अभी भी कोई डाउट हो कॉमेंट करके पूछ सकते हो मैं ट्राई करूंगा आपके सारे क्वेश्चन का आंसर देने का वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो लाइक कर दीजिएगा चैनल भी फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिएगा धन्यवाद